जहां एक जानिब तमन्नाई की कीमतों में इजाफे के बायस मुश्किल सूरतेहाल का सामना है, तो दूसरी जानिब इसकी पायदार फराहमी हमारे पहले से ही मुश्किलात के शिकार बरामदी शोबे को झंझोड़ कर रखने वाली है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मौशी तजियाकारों का कहना है कि यूरोपीय यूनियन EU को बरामद किए जाने वाले सामान से मुताल्लिक हर कारोबारी के तवील मुद्दती मुस्तकबिल का ज्यादातर इन्हिसार इस बात पर होता है कि वो अपनी मसनूआत की तैयारी के लिए किस किस्म की बिजली इस्तेमाल करता है। रवां महीने से यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में मौजूद तमाम कारोबारी इदारों को यूरोपीय पार्लियामेंट और यूरोपीय यूनियन काउंसिल के दरमियान होने वाले मुहैदों के तहत दरामदी मसनूआत पर कार्बन इमिशन इंटेंसिव से मुतालिक मुतला करने की जरूरत है। नई पॉलिसी ये भी तकाजा करती है कि 2026 के बाद कार्बन के अखराज को माली तौर पर मुकम्मल खत्म किया जाए। इस पॉलिसी के पाकिस्तानी कारोबार पर पड़ने वाले असरात से मुतालिक वजाहत करते हुए इस्लामाबाद में मौजूद थिंक टैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो डॉक्टर खालिद वलीद कहते हैं कि इसका मतलब है कि अगर हमने अब पायदार और काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी नहीं की तो आलमी मार्केट में पाकिस्तानी कारोबार की मुसाबिकत मजीद कम हो जाएगी। उनका कहना था कि सादा अल्फाज में अगर पाकिस्तान की बरामदी सनतों की तैयार करदा मसनूआत में कोयले से चलने वाली पावर प्लांट्स की बिजली शामिल हुई तो 10 बरस के अंदर मुल्क में तैयार करदा अशिया महंगी हो जाएगी। बाज़ाब्ता तौर पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM कहलाने वाले तिजारती कवानीन के तहत यूरोपीय यूनियन में गैर रुकन ममालिक से आने वाले तमाम दरामदात पर कार्बन फीस आयद की जाएगी। डॉक्टर वलीद का कहना है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तानी बरामदात की वाहिद सबसे बड़ी मंजिल यूरोपीय यूनियन काबिले तजदीद तवानाई को तिजारती रुकावट के तौर पर इस्तेमाल करेगी। उनका कहना था कि अब भी यूरोपीय यूनियन 6 शोबों सीमेंट एल्युमिनियम हाइड्रोजन आयरन और स्टील खाद और बिजली की दरामदात पर CBAM नाफिज कर रहा है। 2030 तक टेक्सटाइल समेत तमाम सनतों पर CBAM लागू हो जाएगी, जबकि टेक्सटाइल पाकिस्तानी बरामदात का सबसे बड़ा शोबा है। CBAM पर अमल दरामद की टाइमलाइन के मुताबिक इसकी सहमाही रिपोर्टें 31 अक्टूबर से शुरू होगी। मुंतकली का मरहला 31 दिसंबर को खत्म होगा, जिसके बाद 2025 में कार्बन इखराज से मुतालिक स्टेटमेंट लाजमी जमा करानी होगी। ये निजाम 1 जनवरी 2030 से तमाम दरामदी अशिया पर लागू होगा। डॉक्टर वलीद कहते हैं कि अगर हम काबिले तजदीद तवानाई के जरिए को नजरअंदाज करते हुए थर के कोयले पर अपना इन्हिसार बढ़ाते रहे तो इससे हमारी मुसाबकत की सलाहियत में मजीद कमी आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि थर के कोयले को इस वक्त तक जेर जमीन छोड़ देना चाहिए जब तक के कार्बन पर काबू पाने के तरीके कार कामयाब ना हो जाएं। अगस्त में बिजली पैदा करने में मुकामी और दरामदी कोयले का बिल तरतीब हिस्सा 10.3% और 4.5% था। अगस्त में हाइडल और दरामदी गैस के बाद कोयला तवानाई की मजमुई पैदावार का तीसरा सबसे बड़ा जरिया रहा।